उधर उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देश के हर हिस्से को मानसून ने एक ही रंग में रख दिया है। क्या पहाड़ के मैदान, हर तरफ इस वक्त बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के दरकते पहाड़ जान ले रहे हैं। यूपी में शहरों से गांव तक दरिया बह रहा है। उधर पश्चिम भारत में मुंबई डूब रही है। नागपुर में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। गुजरात के शहरों की बात करें, गांव की बात करें, सिचुएशन इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। नदियां उफान पर हैं। दक्षिण चले जाइए, पूर्वी राज्य चले जाइए, बाढ़ बारिश खूब तबाही मचा रहे हैं। और अभी अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक कई राज्यों पर भारी है, क्योंकि प्रिडिक्शन मॉनसून की तेज बरसात का है। उत्तर में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्व में बिहार, ओडिशा, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर में असम। भारत के नक्शे में जहां नजर डालिएगा, बाढ़, बारिश और दरकते पहाड़ों की तस्वीर ही नजर आएगी। पहाड़ी राज्यों में परेशानी डबल है। पानी के साथ साथ पहाड़ों से पत्थर भी बरस रहे हैं। यह उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के द्वार तक जाने का पैदल मार्ग है। रविवार को तीर्थयात्री गौरीकुंड से 3 किलोमीटर दूर चिड़वासा में बने पैदल मार्ग से केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे थे। रविवार सुबह 7:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। केदारनाथ में 16 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर पल पल लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। चीरबासा लैंडस्लाइड जोन है। बरसात में पहाड़ से पत्थर गिरने से यहां हादसे होते रहते हैं। चार धाम के रूट पर मुसीबत के पत्थर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी बरसे। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ उफनती भागीरथी नदी के बीच ये रास्ता गंगोत्री तक जाता है। हैवी लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता भी बंद करना पड़ा। गंगोत्री की यात्रा पर निकले तीर्थयात्रियों को उत्तरकाशी में मनेरी और भटवाड़ी में रोक दिया गया। पैनिक बटन सिर्फ पहाड़ों में नहीं दबा, मैदानी इलाकों में कई शहरों में गर्दन तक पानी आ गया है। कहीं सड़कें डूब रही हैं, कहीं सड़क पर समंदर उमड़ आया है। ये तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। गली मोहल्लों में नदी बह रही है, सड़कें झील बन गई हैं, दोपहिया गाड़ियां हाथ गाड़ी बन गई हैं। उधर बहराइच में सरयू नदी के उफान में 100 से ज्यादा लोग फंस गए। गिरजा बैराज से अचानक लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के बीच बने टापू में 100 से ज्यादा लोग फंस गए, जिनको SSB, PSC और NDRF की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यूपी में अगर पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की बात करें तो टॉप 5 जिले हमीरपुर, औरैया, हरदोई, फतेहपुर और चित्रकूट हैं। यूपी के गोरखपुर में भी बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से 120 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिलों को 5-5 करोड़, जबकि सामान्य प्रभावित जिलों को 1-1 करोड़ की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए 40 जिलों को 120 करोड़ रुपए की राहत राशि दी है। अब मुंबई की तस्वीर भी देख लीजिए। एक तरफ मुंबई को समंदर की ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं, दूसरी तरफ भारी बारिश ने फिर मुंबई को डुबो दिया है। अंधेरी, किंग सर्कल, सियोन से परेल तक हर तरफ पानी है। मुंबई में झमाझम बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है, क्योंकि लो लाइंग एरियाज में बड़े पैमाने पर वाटर लॉगिंग देखा जा रहा है। और हम इस समय किंग सर्कल के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किस कदर पानी जमा है, आपको ये एहसास हो जाएगा कि नदी, ये जो सड़क है वो सड़क नहीं बल्कि नदी बन चुकी है, और दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देखिए, घुटने से थोड़ा सा ही नीचे इस समय पानी यहाँ पर जमा है। 1.5 फुट करीबन यहाँ पर वाटर लॉगिंग दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो लो लाइंग एरिया है सड़क का, उस पर पानी जमा है, और अब इसका जो पानी है वो बस स्टॉप पर भी जा रहा है, फुटपाथ पर भी जा रहा है। जो लोग खड़े हैं वो भी किस कदर परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में जल भराव से अलार्मिंग सिचुएशन है।
तो महाराष्ट्र के दूसरे सबसे अहम शहर नागपुर में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नागपुर की सड़कों पर दरिया बह रहा है, पानी घरों में घुस गया, जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। सबसे ज्यादा मुश्किल में निचले इलाके हैं। नागपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ने ऐसे हालात बनाए हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि 125 लोग सैलाब के बीच फंस गए। इन्हें सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची, एक एक करके लोगों का रेस्क्यू किया गया। क्या घर क्या दफ्तर, नागपुर में हर जगह पानी भर गया। सोनेगांव पुलिस स्टेशन की हालत तालाब जैसी हो गई, थाने में गर्दन तक पानी आ गया। महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा से गोंदिया तक बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे विदर्भ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गढ़चिरौली में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 30 और स्टेट हाईवे बंद हो गया है। 200 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। भामरागढ़ की पर्लकोटा नदी के रेड लाइन क्रॉस करने की वजह से पानी रिहायशी इलाकों तक आ गया। 3 दिन से हमारी नदी भरकर है सर, 3 दिन से आवाज और ठप्प हो गई है, पूरे दुकान बंद है, व्यापारी लाइन, आज सामने रक्षाबंधन, नगर 15 अगस्त है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। 28 गांव का संपर्क टूट गया है, लोगों में कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, आवाजाही बंद है, सब बंद है, सब्जी नहीं, राशन नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने की बहुत खूब गंभीर परिस्थिति है। 128 गांव का संपर्क टूटने की वजह से लोगों के पूरे काम भी ठप हो गए। आगे 15 अगस्त जैसी है, कई कर्मचारी फंसे हुए हैं। आज अपने 75वां वर्धापन दिन रहने के बाद लोगों को आने जाने की भी तकलीफ हो गई है। एक तो बात